ये वीडियो अपलोड किया हुआ था टिकटॉक यूजर जो मैथियो, जो ने हाल ही में ये वीडियो अपने अकाउंट पर पोस्ट किया था। जब एक सुबह वो जैसे उठा तो उसको अपनी बैकयार्ड की सीसीटीवी कैमरे से एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था और जैसे ही उसने चेक किया तो हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिला। अगर यहाँ पर हम गौर से देखें तो राइट साइड के लाइट के साथ एक फिगर जाती हुई दिखाई देता है जो लाइट की रिफ्लेक्शन से हमको कुछ टाइम के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। तो इस पूरी नजारे के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई उनकी बैकयार्ड की सीसीटीवी कैमरे में रियल घोस्ट कैप्चर हुआ, और अगर नहीं तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर ग्रे वॉल, जो एक इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और हॉन्टेड अबांडन जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आज रात ऐसे ही इंडिया में कहीं अबांडन बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन की ली गए थे जो कई अरसे से गैर आबाद पड़ी हुई थी। जब इस टीम ने वहीं की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। கருப்பு கலர்ல பாத்தேன் ப்ரோ, சத்தியமா சொல்றேன் இங்க கருப்பு கலர்ல ஒண்ணு உள்ள கிராஸ் ஆச்சு। क्या आप लोगों ने देखा, जैसे ही ये टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उस लोकेशन की छत पर एक परछाई या कोई इंसान अपने आप को जाहिर करके फिर उस जानिब चला जाता है। ये टीम फौरन जाकर उस जगह को चेक करते हैं लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। और जब इस लोकेशन की और कई बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान वहीं पर नाइट विजन कैमरा प्लेस करते ही हालात काफी भयानक मोड़ लेते हुए दिखाई देता है और हमको कुछ ये नजारा देखने को मिलता है। क्या आप लोगों ने देखा, सेकंड फ्लोर की खिड़की में एक परछाई एक कुर्सी दूसरी ओर जाते हुए दिखाई देता है जिसको ये टीम भी नोटिस करते हैं क्योंकि नाइट कैमरा वो अपने मोबाइल से मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उस तरफ देखते हैं तो वो परछाई गायब हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही ये टीम मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए उस बिल्डिंग की जानिब बढ़ते है तो अपने कैमरे की आंख में कुछ ही खौफनाक नजारा रिकॉर्ड कर लेता है। எட்டி பாக்குது புரியுதா நம்பர் போது உள்ள போது உள்ள போது क्या आप लोगों ने देखा, उस साइड की बिल्डिंग की दरवाजे में एक काली परछाई दिखाई देती है जो तुरंत अंदर चली जाती है। ये टीम फौरन जाकर उस जगह को चेक करते हैं लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई यहीं पर किसी आसेब जिन्नात का बसेरा है और या इनका कोई दोस्त या अच्छी एडिटिंग का कमाल है, इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसे मजीद खौफनाक वीडियो के लिए इनके चैनल का जरूर से विजिट कीजिए। सैन डिएगो कैलिफोर्निया की एक बिजी मेट्रो स्टेशन लिबर्टी स्टेशन की एक सी ए रेस्टोरेंट जहां पर रात के समय काफी एक्टिविटीज होती है। लेकिन वहीं के स्टाफ का मानना है कि जाहिरी तौर पर वहां पर हमने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन जब वो लोग सुबह आते हैं तो काफी सामान इधर उधर पड़ा हुआ दिखाई देता है। इस चीज के लिए जब उन्होंने वहीं की सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिला। जैसे कि आप लोगों ने देखा, रेस्टोरेंट के मेन डोर के साथ एक सफेद परछाई देखी जा सकती है जो रेस्टोरेंट के अंदर आती हुई दिखाई देता है। और ये परछाई सुबह के 5 बजे देखी गई थी जिस टाइम रेस्टोरेंट बंद होता है। तो इस पूरी नजारे को देखकर आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई वहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है जो ये पूरी एक्टिविटीज कर रही है, और यह पब्लिसिटी के लिए एक फर्जी वीडियो बनाई गई है जिसमे हमको कुछ ये नजारा देखने को मिला, इसके बारे में
आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। पाकिस्तान के एक छोटी सी गांव सोबतपुर जहां पर एक किसान ने कुछ कमरे अपने मजदूरों के लिए बनाए थे खेतों में, लेकिन वर्करों का मानना था कि रात के समय अजीब किस्म की आवाजें और एक्टिविटीज देखने को मिलती है। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूट्यूब यूजर वहां कौन है ऑफिशियल की टीम जब इस जगह को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। ख्याल से मुन्ना जल्दी आ जा, पीछे पीछे आ जा। मुन्ना कैमरा पकड़, अपना अपना कैमरा पकड़। चले मुन्ना बाथरूम के अंदर। मैंने बोला था ना उसके अंदर कोई है, मैंने बोला था ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा जब ये टीम उस लोकेशन के कमरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसी दौरान उसकी टीम मेंबर को बाथरूम के साइड से कोई परछाई नजर आती है, लेकिन बदकिस्मती से कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती और ये लोग यहीं से खौफ के मारे भाग जाती है। लेकिन उनके कुछ सामान लोकेशन के नजदीक पड़ा होता है जिसको उठाने के लिए जब ये टीम उस लोकेशन के नजदीक पहुँचते है तो उसी दौरान कुछ ये खौफनाक नजारा उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ओए ओए वो देख मुन्ना, वो देख वो सामने देख, वो देख। अल्लाह अकबर। ओए मुन्ना मुन्ना भाग यार। क्या आप लोगों ने देखा बाथरूम की दरवाजे के पीछे एक काली सी परछाई दिखाई देती है जो चंद सेकंड बाद वहीं से गायब हो जाती है और ये मखलूक काफी बारीकी से नजर आती है जिसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इस पूरे एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई वहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है और या इस टीम को किसी ने डराने की कोशिश की? और ऐसे मजीद खौफनाक वीडियोज के लिए इनके चैनल का जरूर से विजिट कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर अल्बर्टो डिल आर्को जो एक मेक्सिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। आज रात मेक्सिको में एक ऐसे ही अबांडेड प्लाजे की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो काफी हॉन्टेड मानी जाती है और जब अल्बर्टो ने इस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। No, bueno, sabes qué, a ver, vamos a calmarnos, güey. Para mí que es un güey que anda hasta arriba, güey. Y no lo encontramos porque él conoce mejor la zona que nosotros. Oh, es que ¡Hola! ¿Vino de dónde? No sé si de abajo, no sé si de... ya no sé de dónde vino. जैसे कि आप लोगों ने सुना कि लोकेशन में कहीं से खौफनाक आवाज सुनाई देती है लेकिन जाहिरी तौर पर वहां पर कोई भी नहीं होता और जब अल्बर्टो मजीद इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं तो हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। ¿No crees? No. Muchos zapatos. ¿Qué es eso? ¿Está aquí? Sin ninguna idea. Oye, ¿Memo ya lo bajó? No, no me preocupa. Pues es mucho quemado. Sí, ¿Memo? ¿Estás bien, Memo?
जैसे कि आप लोगों ने देखा ईवीपी जो वॉइस का भी सिग्नल देना शुरू करता है और उसके फौरन बाद लोकेशन में कहीं से आवाज सुनाई देती है। लेकिन उसके कैमरामैन जब कैमरा एक कमरे की जानिब करते है तो वहीं पर दीवार के पीछे एक परछाई झांकते हुए दिखाई देता है जिसको वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। और उसके बाद जैसे ही वो हॉल की जानिब बढ़ते है तो ऊपर की जानिब एक रेड लाइट या रेड आंखों वाली कोई मखलूक उस तरफ जाती हुई दिखाई देता है। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई ये प्लाजा हॉन्टेड है और इसकी वजह से ये अबांडन पड़ा हुआ है और ये इनका कोई साथी था जो ये अच्छी एक्टिंग कर रहा था, इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसे खौफनाक वीडियो के लिए इनके चैनल का जरूर से विजिट कीजिए।